राजधानी लखनऊ के सेक्टर जी एलडीए कॉलोनी में मां पीताम्बरा समूह सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा विशाल उपवास भोज व फलाहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शारदीय नवरात्रि की मंगल बेला पर सात्विक प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु सरस एवं सरल भावना से प्रेरित मां पीताम्बरा समूह सरोजनी नगर स्वजनों को उपवास भोज सह फलाहार हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमल किशोर शर्मा अध्यक्ष पीताम्बरा समूह सरोजनी नगर लखनऊ। चित किया गया है, क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। माँ पीताम्बरा समूह जो है, जो लोग व्रत मतलब कहीं के भी हैं, जो लोग व्रत हैं उनको हम लोग जो है वो कराएंगे, भोजन कराएंगे, वो भी शुद्ध शाकाहारी और व्रत वाला की व्यवस्था की गई है। तो सर आज इस जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या आयोजन हो रहे हैं? इस सप्तमी के कार्यक्रम में हम लोग पहले हवन पूजन कराएंगे, उसके बाद कन्याओं को खिलाएंगे, उसके बाद जितने लोग भी हैं उन सबको जो है फलाहारी कराने का काम। जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है उसका क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम जो भी हमारा भक्त है जो माँ दुर्गा का पाठ आठ करता है उन सबको हम लोग जो है प्रीत भोजन में उनको फलाहारी कराएं, जिससे उनकी आत्माओं को संतुष्टि मिले और हम लोगों को भी पुण्य प्राप्त हो और इस समूह की वजह से पूरे जितना भारतवासी उसका सबका भला हो, ये हमारा कार्य। पीताम्बरा जो आपका समूह है इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके बारे में बताइए। सामाजिक कार्य किया जाता है, सारे सामाजिक कार्य किए जाते हैं। ये जो माँ पीताम्बरा के भंडारा का हम लोग आयोजन किया है कि उससे जुड़े हुआ है कि जैसे भंडारा होता है मंगल होता है तो दुर्गा जी का नहीं होता, तो हम लोगों ने समझ किया है कि जैसे नवरात्र में भंडारे का आयोजन किया जाए और सबको प्रसाद रूप में इसको ग्रहण करने के लिए किया जाए। ठीक है, उसमें मैं कार्यरत हूँ, अध्यक्ष जी के अधीनस्थ जो ये सपोर्ट करते हैं वो कार्य हम लोग करते हैं। नाम बोल दीजिए। एस एन पाले मेरा नाम है, शीर्ष नारायण पांडे। ठीक सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना यही चाहेंगे कि सब हिंदू इकट्ठा हों, है नहीं, सब अपनी एकता को दिखाएं। हम लोगों ने ये नवरात्र में माँ दुर्गा जी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया है, इसमें जितने मैक्सिमम आ सके आवें, आने के बाद में हम लोग के कार्यक्रम को सफल बनावें। जितने भी हिंदू हैं उनके लिए फलाहार की व्यवस्था की गई है, हवन की पूरी व्यवस्था की गई है, उसका कन्याओं का भोज होगा, फिर उसका सामूहिक भोज शुरू हो जाए। आयोजन इस बार बहुत हो रहा है, सब जगह ही हो रहा है जो बंद थे दो तीन साल से, तो कितने उत्साहित हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सीधी सी बात यह है कि कोविड की वजह से बहुत समस्याएं समाज में रही हैं और अब हम लोग बहुत खुश हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और मोदी जी ने हमारे जो हिंदुस्तान की जनता के लिए किया वैक्सीनेशन का, उससे सब खुशहाली आ गई है। अब हम लोग उत्साहित होकर अपने सारे प्रोग्राम अच्छे ढंग से कर रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं और सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश ये देना चाहेंगे कि हम लोग का ये कार्यक्रम जो है इसमें सब लोग फिर से शामिल हों और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इस प्रोग्राम को कर पाए। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।